सह नो भुनक्तो सह वीर्यं कर्वा वहै मा ॐ शान्तिः शान्तिः शांति ही वैदिक जीवन पद्धति के आप सभी दर्शकों को सभी श्रोताओं को मैं हृदय की गहराइयों से प्रणाम करता हूँ नमन करता हूँ अभिनंदन करता हूँ परम पूज श्री स्वामी जी महाराज परम आचार्य श्री का हमारे ऊपर विशेष अनुग्रह है उनकी कृपा है उनका मार्गदर्शन है कि महान वेद के ज्ञान को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं वेद का स्वाध्याय कर रहे हैं और निरंतर इसकी गहराइयों में गोते लगाने का प्रयास कर रहे हैं और जितनी गहराई में हम चले जा रहे हैं उतने ही हम हमको इससे मोती मिल रहे हैं ऐसे मोती जो संसार में रहते हुए भी हमको सुख और शांति प्रदान कर रहे हैं इस लोक के लिए भी और परलोक के लिए भी ये ऐसी कमाई है जो हमारे साथ जाने वाली है यहां का धन यहां का वैभव यहां का जो भी कमाना है वो सब यहीं रह जाना यहीं गवाना है लेकिन वेद का जो ज्ञान है वेद के ज्ञान के द्वारा जो हम विवेकवती प्रज्ञा का निर्माण करते हैं वह बहुत महनी है इसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती इसकी कोई समता नहीं की जा सकती है हम थोड़ा सा समय अपने लिए जरूर निकालें स्वाध्याय व्यक्ति को कभी पतित नहीं होने देता स्वाध्यायशील व्यक्ति सत्संग करने वाला व्यक्ति कभी भी अच्छा सत्संग जिसने किया है स्वाध्याय जिसने अच्छा किया है वो सदा सर्वदा उत्थान में रहता है और पूरे आनंद में रहता है मस्ती में जीवन उसका होता है मस्ती के साथ जीवन जीता है और मस्ती में जो रहता है उसकी हस्ती रहती है बाकी तो सबर जब जबरदस्ती जी रहे लोग जबरदस्ती ने जीना मस्ती के साथ आनंद के साथ इस जीवन को जीना और दूसरों के लिए भी ऐसी प्रेरणा करना यही ऋषियों का काम है ऋषि रामचरितम सत्यम महाजनो येन गता हम उनके सच्चे अनुयायी बने ऋषि परंपरा को आत्मसात करने वाले बने यही हमारे लिए परम आवश्यक है तो बहुत सुंदर बात हमने पिछली कक्षा में चर्चा की थी और जिसमें उपासना की चर्चा की थी हम किसी भी परिस्थिति में हो कोई भी देश कोई भी काल हो कोई भी हाल कहीं भी कैसा भी हाल हो अकेले में हो मेले में हो झमेले में हो कहीं भी हो लेकिन आनंद में रहें उपासना से युक्त जीवन को जिए ये साधन मिला है, संसार साधन है शरीर साधन है और इस साधन को पाकर के अच्छी साधना हमारी चलनी चाहिए साधना क्या है ये उपासना क्या है जो हमारा निज कर्तव्य है जैसा ईश्वर का गुण है स्वभाव है वैसा अपने जीवन में उतार लेना यही साधना है यही उपासना है बहुत सुंदर वेद मंत्र था जिसकी चर्चा हमने पिछली कक्षा में किया था ऋग्वेद के प्रथम मंडल के एक सूक्त के आठवें मंत्र की चर्चा की थी और क्या कहा था ओम विश्वासाम विश्वासाम पतिम हवा महे सर्वासाम समानम दंपतिम भुजे सत्य गिरवा हसम भुजे अतिथि मानुषाणाम पितुर्ना यस्या सया अमीचा विश्वे अमृता आवयो हव्या बहुत ही विशेष ज्ञान इस वेद मंत्र में है कि हमारा जो कर्तव्य है हम कैसी भी स्थिति परिस्थिति में हो प्रभु का जो उपासक है प्रभु का उपासक प्रभु को सर्वत्र समरूप से रक्षण करते हुए देखता है और जब प्रभु हमारा जो स्वामी है जो हमारा पिता है जो सबसे ज्यादा महान है उसकी संतान हैवान कैसे बन सकती है शैतान कैसे बन सकती है उस भगवान का उस महान ईश्वर का पुत्र और पुत्री होकर के यदि हमारे अंदर वासनाएं नहीं मिटी हमारी यदि हमारे अंदर उस परमात्मा के गुणों का आधार नहीं हुआ तो जीवन हमारा कभी भी सुख से नहीं व्यतीत होगा क्योंकि परमात्मा के जो गुण हैं, वो हमारे अंदर जरूर आते हैं अर्थात, अगर हम चिंतन करते हैं उसकी आज्ञा का पालन करते हैं तो यह बात केवल कहने की नहीं है केवल सुनने की नहीं है ये अनुभव करने की बात है ये स्वयं अपने अपने विवेक के द्वारा अपने अपने कृतित्व और व्यक्तित्व में उतार करके हम इसको स्वीकार करके अंगीकार करके इसका अनुभव लेकर के आनंद में सदा रहते हैं तो इस में पुनः मैं थोड़ी सी चर्चा और करूंगा कहा था कि जो प्रजाओं का स्वामी है हम उसको पुकारते हैं उसकी उपासना करते हैं और जो प्रभु सब प्रजाओं की रक्षा के रूप में सब और सर्वत्र विद्यमान है अर्थात सबकी रक्षा करते हैं तो वह स्वभाव मेरा भी हो जाए मैं भी दूसरों की रक्षा करने वाला बन ये उपासना है जैसा जैसा सामर्थ्य परमात्मा ने हमको दिया है हम उस सामर्थ्य से अपने आत्म कल्याण को कभी ना भूलें यह पुरुषार्थ है आत्म कल्याण के साथ साथ जग कल्याण इस जगत कल्याण के लिए भी सदा सर्वदा उद्यत रहें अगर ऐसा नहीं होता तो मेरा जन्म भी नहीं होता अगर ऐसा नहीं होता तो संसार भी नहीं चलता जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं अलग अलग प्रकार से पता नहीं क्या क्या बोलते हैं ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या एक अंश में एक उच्च स्थिति को प्राप्त करके व्यक्ति ऐसा कह सकता है लेकिन जिनको थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं है और वो बिल्कुल अपने को ऐसा मान लेते हैं कि सब कुछ मिथ्या है तो खाना पीना छोड़ दीजिए व्यवहार को छोड़ दीजिए उपकार को छोड़ दीजिए अगर ऐसा कोई छोड़ करके जीवन जी सके तो फिर बात मानिए कि ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है जो जुबान बोल रही है वो भी तो किसी ने बनाई है जो हम अनुभव कर रहे हैं जो खा रहे पी रहे परस्पर के जो व्यवहार हो रहे हैं जो हमको जन्म देने वाले हैं उनको भी जो जन्म देने वाले हैं इसका मतलब वो सब मिथ्या है नहीं। जितना सत्य ब्रह्म है उतना सत्य यह जगत भी है लेकिन इसका उपयोग इसका उपभोग हमको विवेक के द्वारा वैराग्य के द्वारा करना चाहिए और यही व्यक्ति जब आत्मसात करके कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ता है तो यह उसकी उपासना होती है सारी उपासनाओं से दूर हो जाता है उठ जाता है इस संसार से अलग नहीं हो सकता कोई भी चाह करके भी प्रभु की जो व्यवस्था है उसका कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता है स्थान बदलने से स्थिति नहीं बदलती मैदान में रहने वाला व्यक्ति पहाड़ों पर सुख खोजता है उसको लगता है वहां आनंद है वहां सुख है और पहाड़ में रहने वाला व्यक्ति सोचता है मैदान में सुख है जंगल में रहने वाला घर की याद करता है घर में रहने वाला जंगल की याद करता है बिरले ऐसे लोग होते हैं जो संतुलित जीवन जीते हैं कि एकांत में भी शांत स्थिति में रहते हैं और चाहे कितने भी झमेले में हो कितने भी संसार के व्यवहार में हो वहां भी वो शांत स्थिति को प्राप्त करके अटैचमेंट होगा लेकिन कैसे विवेक पूर्वक, कंप्लीट अटैचमेंट विद कंप्लीट डिटैचमेंट हम पूर्ण वैराग्य में स्थिति अपनी बनाए और पूर्ण विवेक के साथ अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधा सतु दीर्घ काल नरंतर सत्कार आसेविता दृढ़ भूमि यह संसार का नियम है और यही इस वेद मंत्र का भाव हम समझ रहे थे कि सर्वासाम समान हम सब प्रजाओं के प्रति समान रूप से बरतने वाले प्रभु को पुकारते हैं प्रभु का किसी प्रकार से किसी के प्रति राग द्वेष नहीं है वैसा हमारा भी स्वभाव बन जाए हम भी वैसा जिए हम किसी से बहुत राग कर लेते हैं किसी से बहुत द्वेष कर लेते हैं तो राग और द्वेष दोनों हमारे लिए घातक बन जाते हैं कर्तव्य की दृष्टि से हम राग करें रंज रागे और द्वेष द्विष अप्रित हम अप्रीति कर बैठते हैं अब जिससे राग होगा उसके हम कितनी भी उस उसने गलतियां की हैं कितना भी उसका स्वभाव गलत है कितना ही वह पतित व्यक्ति है उसको हम सराखों पर बिठाते हैं कि यह तो बहुत अच्छा है क्यों क्योंकि उसके साथ राग है और किसी के साथ द्वेष हो गया कितना भी उसके अंदर गुण हो कितना भी उपयोगी व्यक्ति हो उससे अप्रीति हो जाती है दुष् अप्रीत हो तो यह साधना नहीं उपासना नहीं है इसलिए हमेशा याद रखिए अपने जीवन को उत्थान की ओर ले जाना है तो राग और द्वेष से दूर हटना पड़ेगा किसी ने बहुत सुंदर कहा है कि अपने जीवन को यदि उत्थान की ओर ले जाना चाहते हैं तो भूल जाइए उनकी गलतियों को जिनको आप अपना समझते हैं भूल जाइए उनकी गलतियों को जिनको आप अपना समझते हैं और उन लोगों को भूल जाइए जिनको आप अपना नहीं समझते हैं उनकी जो गलतियां हैं उनको बार बार वो गलतियां करते हैं तो उनके प्रति राग और द्वेष की भावना से सदा अलग अपने आप को कर लीजिए वो हमारी रक्षा करता है गृहस्थ में भी कहा है दम घर के रक्षक प्रभु को पुकारते हैं और अपने घर का रक्षण स्वयं करते हैं और दूसरों को भी उसकी प्रेरणा मान करके उसकी शक्ति के द्वारा दूसरों की भी रक्षा करते हैं और कहा वह सत्यवाणी भुजे सत्य वह सत्यवाणी से हमको सदा बढ़ाता है भुजे भुज पालना अभ्यवहार्यो हमारी पालना करता है हमारी रक्षा करता है हर प्रकार से मानुषाणाम मानव हित में तत्पर व्यक्तियों को अतिथिम निरंतर प्राप्त होने वाले पिता के समान जिसकी आसया उपासना से अमी वे सब उत्तम पुरुष अमृताशाह निरोग बनते हैं च और आवय जीवन पर्यंत हव्या हव्य पदार्थों को प्राप्त करते हैं जीवन पर्यंत उनको कभी भी कोई अभाव नहीं होता है किसी के प्रभाव में नहीं आते कि कोई भी दुष्प्रभाव नहीं आता बुरे भाव नहीं आते उनका आध्यात्मिक स्वभाव हो जाता है स्वभाव आध्यात्मम स्वभाव हो जाता है और अमृता सह निरोग बनते हैं मानसिक और शारीरिक रोग उनको नहीं होते हैं जो प्रभु की उपासना में अपने जीवन को लगाते हैं और जीवन पर्यंत उनको सब प्रकार से परमात्मा परिपूर्ण करता है उत्कृष्ट पदार्थ उपस्थित होते प्रभु का सच्चा उपासक वही है जो सब प्रजाओं का रक्षक होता है सबके प्रति समभाव रखने वाला होता है समभाव से जो वर्तता है घर का पूर्ण रक्षण करता है सबके पालन के लिए सत्यवाणी का प्रकाश करता है क्योंकि सत्यवाणी ही सत्यम व धर्मम चर सत्यम रुयात प्रियम ब्रुयात न ब्रुआयात सत्यम प्रियम सत्य बोलो और प्रिय बोलो सदा सर्वदा आनंद में रहो कहा है साच बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप साच बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप जाके हृदय है ताके हृदय आप प्रभु जी हृदय आप हृदय तो सत्य जैसा देखा जैसा सुना जैसा अनुभव किया जैसा पढ़ा लिखा जाना समझा वैसा ही बोलना वैसा ही जापित करना ऐसा व्यक्ति उन्नत जीवन जीता है और जीवन भर हव्य पदार्थों का ही सेवन करता है जो कल्याणकारी है जो आरोग्य का आधार कराने वाला है तो प्रभु का उपासक प्रभु को सर्वत्र सम्रूप में सम्रूप से रक्षण करते हुए देखता है और स्वयं वैसा ही जीवन बनाने का प्रयत्न करता है इस वृत्ति की उत्तमता के लिए हव्य पदार्थों का सेवन करता है अर्थात वह ऐसे मादक द्रव्यों का सेवन नहीं करता ऐसे अभक्ष पदार्थ का सेवन नहीं करता ऐसे आहार को कभी भी वह स्वीकार नहीं करता जो उसके मन मस्तिष्क को उसके शरीर को उसके मानसिक और शारीरिक रोगों को बढ़ाने वाला हो शारीरिक रोग उसके अंदर ना आए मानसिक रोग उसके अंदर ना आए इसलिए वह प्रभु की भक्ति के साथ अपने जीवन की शक्ति को बढ़ाता है और जीवन की शक्ति को बढ़ा करके व्यक्ति आगे बढ़ता है यही कल्याण की भावना है हम एक दूसरे के सहयोगी बने। एक दूसरे की साथ परस्परता से जीने का प्रयास करें यही उपासना है एक दूसरे की टांग खींचना एक दूसरे से अभद्र व्यवहार करना गलत विचार रखना एक दूसरे के प्रति ये उपासना नहीं है वासना है और वासना हमको कभी भी निरोगी नहीं बनाती है। ये रोग मैं बना देती है इसलिए उपासना से वासना को हटाइए और ऐसा करने वाला व्यक्ति ही आगे बढ़ता है लोग एक दूसरे से ईर्षा करते हैं बहुत सुंदर बात कही है कहा कि हेतो ईर्षु फले नेर्षु हेतव ईर्षु फले नेर्षु कहा है कि व्यक्ति को यदि ईर्षा करनी ही है तो किसमें करें व्यक्ति के उत्थान को देख करके इतने ऊंचाई को यह प्राप्त कर लिया इसको नीचे गिराओ ऐसा जो मन में विचार आता है ये बहुत घातक है अगर ईर्षा आपको करनी है तो उसके कर्म से करो उसके हेतु में वो उत्थान को प्राप्त हुआ है उसने सम्मान पाया है यश कीर्ति को पाया है तो उसके पीछे राज क्या है उसके पीछे हेतु क्या है हेतु में ईर्षा करो फल में उसके ईर्षा ना करो फल में ईर्षा करने वाला व्यक्ति अपना हानि स्वयं सुनिश्चित करता अपनी हानि उसको जो है उठानी पड़ती है लेकिन जो उसकी उन्नति में मूल कारण क्या है और मूल कारण को वो स्वयं आत्मसात करता कि इसने आठ घंटे पुरुषार्थ किया है तो मैं बारह घंटे पुरुषार्थ करूंगा इसने दूसरों को सहायता दी है मैं इससे कई गुना सहायता दूंगा इसने दूसरों के प्रति प्रेम और सौहार्द पूर्वक जीवन जिया है मैं भी उससे ज्यादा प्रेम और सौहार्द जी ऐसा जो विचार करेगा तो वो तो उत्थान को प्राप्त हो जाएगा और इसके विपरीत जो अपना आचरण रखता है वो कभी भी उत्थान को प्राप्त नहीं होता है क्योंकि उस प्रभु की शक्ति के द्वारा क्योंकि वो तो कड़कड़ में व्याप्त है और हर प्रकार से हमारी रक्षा करने वाला है कितना हम बखान करें इस संसार से हम कुछ ले नहीं जा सकते हैं यह उपासना के लिए मिला है परस्परता के लिए मिला है इस संसार एक नाट्यशाला है। हम उस नाट्यशाला में अलग अलग रोल अदा कर रहे हैं कोई वक्ता है तो कोई श्रोता है कोई जो है कैमरामैन है तो कोई बोलने वाला है अलग अलग रोल अदा कर रहे हैं हमेशा याद रखना चाहिए कि हम अपने रोल को अपने ड्यूटी को अपने कर्तव्य को ठीक ठीक ईमानदारी से निभाएं माता पिता गुरु आचार्य पुत्र पुत्री वर वधु जो भी हैं अपने कर्तव्य का निर्वहन करना ही सच्ची उपासना है उसमें राग द्वेष से ऊपर उठना है छोटी बात है लेकिन जीने के लिए पूरा जीवन लगाना पड़ता है बहुत कठिन है लेकिन संभव है असंभव नहीं है ऐसा जो जी सकता है उसका जीवन कभी भी दुखी कभी भी हताश निराश स्थिति में नहीं रह सकता है और परमात्मा की भक्ति के साथ ऐसा करना सर्वथा उचित है और करना भी चाहिए क्योंकि उसने कितना हमारे लिए दिया है कितना संसार कितना विशाल बनाया है कितना यह शरीर को वैज्ञानिक बनाया है उसकी महिमा जितनी गाई जाए उतनी ही कम है तो कहा है कौन कहे तेरी महिमा कौन कहे तेरी माया कौन कहे तेरी महिमा कौन कहे तेरी माया किसने परमेश्वर तेरा किसने है परमेश्वर तेरा अंत कहीं ना पाया कौन कहे तेरी महिमा कौन कहे तेरी माया अजर अमर अविनाशी कण कर्ण में व्यापक है अजर अमर अविनाशी कण कण में व्यापक है सबसे पहला उपदेशक और अध्यापक है सबसे पहला उपदेशक और अध्यापक है गुरुओं का भी गुरु है ईश्वर गुरुओं का भी गुरु है ईश्वर ऋषियों ने फरमाया कौन कहे तेरी महिमा कौन कहे तेरी माया सारे सूरज चांद सितारे भी तुझ में है सारे सूरज चांद सितारे भी तुझ में है सभी समंदर सभी किनारे भी तुझ में है सभी समंदर सभी किनारे भी तुझ में है सृष्टि के अंदर बाहर तू सृष्टि के अंदर बाहर तू एक समान समाया कौन कहे तेरी महिमा कौन कहे तेरी माया हर प्रलय के बाद जगत निर्माण करे तू हर प्रलय के बाद जगत निर्माण करे तो नियत समय पर इसका भी अवसान करे नियत समय पर इसका भी अवसान करे तो तु। सदा तुझे अगणित कंठों ने सदा तुझे अगणित कंठों ने झूम झूम कर गाया कौन कहे तेरी महिमा कौन कहे तेरी माया किसने तेरी महिमा कौन कहे तेरी माया कौन कहे तेरी माया तो उस परमात्मा का जो इस सारे संसार में सारे विधान में जो कार्य कर रहा है उसका जो सामर्थ्य उसकी जो शक्ति है इस सारे संसार को चला रही है तो उसकी शक्ति से हम अपनी भक्ति के साथ जोड़ दें तो हम भी उसकी शक्ति के कुछ संचार अपने अंदर भी करके अपने जीवन को सुदृढ़ बना सकते हैं और इस वेद मंत्र में यही बात कही है कि हम प्रभु के द्वारा दिए गए उपदेश से आदेश से निर्देश से अपने जीवन को सुंदर सहज सरल बनाएं यही हमारे जीवन का उत्तम और सबसे सर्वोत्कृष्ट ये कह लें कि आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय संसार में किस आए हैं धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए आए हैं लेकिन वो कब प्राप्त होगा केवल रटने से नहीं प्राप्त होगा केवल कुछ लोग इसी में लगे रहते हैं कि मोक्ष प्राप्त करना मोक्ष प्राप्त करना है लेकिन यहाँ पर वेद मंत्र हमको उपदेश दे रहा है आदेश संकेत कर रहा है कि हम सदा अपने कर्तव्य को बढ़ाते जाए अपने कर्तव्य का ध्यान रख कर के निज कर्तव्य के द्वारा अपने जीवन को सार्थक करें इसी से हमारी उत्तम उत्तम स्थिति बनती जाएगी और चूंकि यह पूरा सूक्त ही बहुत सुंदर है अलग अलग अर्थों में यदि हम चर्चा करते हैं तो इस चर्चा से हमारे मन मस्तिष्क में जो विकार हैं वो समाप्त होते हैं हम अपने संतानों को अपने आप को प्रत्येक दिन ऐसा सजेशन दें ऐसा प्रबोधन दें, ऐसे अपने जीवन को व्यवस्थित करने का प्रयास करें जिससे हम कभी भी कोई कुछ न करें कभी भी गलत राह पर ना जाएं, गलत आदतें जो हमारी हैं, उनको ठीक करें नित स्वाध्याय ये सतसंग करते रहो एक दिन सद ज्ञान प्राप्त हो जाएगा शांति होगी परम भ्रांति मिट जाएगी पाप तापों का अवसान हो जाएगा तो सत्संग की गंगा में हम नित्य नहाते रहें डुबकी लगाते रहें तो एक दिन निर्मलता जरूर आएगी शुचिता जरूर आएगी तो इन्हीं शुभ संकल्पों के साथ शुभ भावनाओं के साथ शुभकामनाओं के साथ आज की कक्षा को पर विराम देते हैं शेष चर्चा अगली कक्षा में नए मंत्र के साथ करेंगे ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः